नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 अप्रैल 2020 की। आज दिन भर की अपडेट्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे क्या अब ऑनलाइन पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्रों के एक ही सवाल आ रहा था इस बार कि क्या अब आप लोग का जो पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 3 मई तक आपका लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, तो उसके चलते दोस्तों परीक्षाएं फिर से एक बार स्थगित कर दी गई। तो मतलब साफ है दोस्तों, आप लोग का जो पेपर है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगा। उसके बाद कुछ और दोस्तों डिस्कस करेंगे। इस समय एक और बड़ी अपडेट है, लॉकडाउन की अवधि 3 मई 2020 तक। गृह मंत्रालय के अनुसार सभी शैक्षिक संस्थानों के लिए दोस्तों जारी दिशा और निर्देश क्या है दोस्तों, उसको जरा हम दिखा देते हैं आपको। तो ये दोस्तों आपका दिशा निर्देश जारी किया गया। देखिए, गाइडलाइन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये दोस्तों क्या गाइडलाइंस है आपको हिंदी में यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जो गाइडलाइंस दोस्तों जारी किए गए हैं उसके हिसाब से सभी शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि बंद रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों कोचिंग भी ओपन मत करिएगा अगर आप लोग कोचिंग पढ़ाते हो तो। हालांकि इन प्रतिष्ठानों से ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। उसके बाद शिक्षण उद्देश्यों के लिए दूरदर्शन, डीडी और अन्य शैक्षिक चैनलों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब साफ है दोस्तों, आप लोग के स्कूल कॉलेजेस नहीं खोला जाएगा। मतलब ऑनलाइन के माध्यम से अगर स्कूल चाहे कॉलेज चाहे तो आपको शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जैसे हमारा डीएलएड का कोर्स है, ठीक है ना, आज आपको इस वीडियो के दौरान सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, कोरोना वायरस के चलते क्या डीएलएड का कोर्स 3 से 4 साल का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 2019 बैच के हैं उनका पेपर दोस्तों देखिए, उनका जो सेशन है वो अगस्त से शुरू हुआ था, अगस्त 2019 से। तो मतलब साफ कि जुलाई 2019 तक, मतलब 2020 तक, मतलब इनका सेशन 1 साल का पूरा हो जाना चाहिए। मतलब 1 साल का मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कह सकते हैं, हो सकता था। लेकिन दोस्तों अभी तक तो प्रथम सेमेस्टर का ही पेपर नहीं हुआ, तो द्वितीय सेमेस्टर का पेपर कब होगा इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसके बाद एक और सवाल आ रहा था आप लोग की, कब से शुरू हो जाएंगी आपकी परीक्षाएं, इस पर डिस्कस करेंगे। क्या अब आपको अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं तो क्या आप सेकंड सेमेस्टर के, और तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं तो क्या आपको चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारियां यहाँ पर शुरू करनी चाहिए, इस पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और सवाल, आने वाले समय में डीएलएड की पढ़ाई कैसे होगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का जैसे आप देख रहे होंगे संक्रमण पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल रहा है, तो इसका फ्यूचर क्या है। चाहे दोस्तों आपका डीएलएड का कोर्स हो, चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो, इंटर के छात्र होंगे, तो आपका फ्यूचर क्या है, कैसे आप पढ़ाई कर पाएंगे आने वाले समय में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आपका प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 और आपकी पीएनपी अपडेट्स को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दें दोस्तों, जो दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के 20 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 मिलियन से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं कोरोना वायरस के। और अब तक, जी हाँ दोस्तों, अब तक 1,28,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ कोरोना वायरस के चलते। 4,92,000 लोग दोस्तों सही भी हुए हैं, और अब तक दोस्तों 51,000 से अधिक लोग सीरियस चल रहे हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं कि वो बचेंगे या नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यूएसए अमेरिका में दोस्तों अब तक 6,14,000 से अधिक मामले दर्ज, 26,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मतलब 26,000 तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। दूसरे पर दोस्तों स्पेन है दोस्तों आपका, जहाँ पर 18,000 से अधिक लोगों की जान जाती है। इटली में दोस्तों 21,000 से अधिक जान, फ्रांस में 15,000 से, और जर्मनी में 3,000। तो दोस्तों ये सब है मौत के आंकड़े। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने भारत में, भारत की क्या स्थिति है अब तक। देखिए, भारत में दोस्तों 11,555 मामले दर्ज हो चुके हैं, 68 नए मामले आए, 396 लोगों की जान जा चुकी है। तो देखिए, भारत में भी दोस्तों ये आंकड़े काफी तेजी से बदल रहे हैं। जी हाँ, बदल रहे हैं कि मतलब साफ है कि बढ़ रहे हैं। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात होगी कि अब सरकार क्या करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आने वाले समय में डीएलएड की पढ़ाई कैसे होगी। तो दोस्त इसका आंसर होगा सिर्फ ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास एक ही विकल्प बचेगा सरकार के पास। अब देखिए, डीएलएड में भी दोस्तों आपको ऑनलाइन पढ़ाई हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी कैसे, अब ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसके कुछ कोर्सेज बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें या तो सोशल मीडिया का कुछ यूज किया जा सकता है, या तो आपका व्हाट्सएप का यूज किया जाएगा, या तो यूट्यूब का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इसका दोस्तों डिसीजन सरकार ही लेगी कि आने वाले टाइम में। देखिए, डीएलएड का मतलब होगा, दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो दोस्तों आपका कॉलेज वाइज कॉलेज चलेगा, दोस्तों जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस हर एक कॉलेज के अलग अलग वीडियोस बने, पहला स्टेप तो दोस्तों ये बन सकता है। दूसरा स्टेप दोस्तों ये बन सकता है कि सिर्फ आपके डाइट के जो कॉलेजेस होते हैं वो अपनी वीडियोस बना के दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, डाइट की वीडियोस दोस्तों देखना सभी बच्चे चाहेंगे कि डाइट में आखिर पढ़ाई होती कैसे है। जी हाँ, हो सकता है जिस समय हमारी वीडियोस को देख रहे हैं मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट के होंगे, तो आप लोग भी कमेंट करके दोस्तों बताएगा कि क्या प्राइवेट के
वीडियोस बनने चाहिए मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की डाइट के, क्योंकि सभी लोग की उम्मीद होती है ना कि हम डाइट में जाते तो हमारी पढ़ाई अच्छी होती, तो ये भी हो सकता है डाइट्स की वीडियोस बनेगी, या दोस्तों किसी और तरीके से, वो सब देखिए आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल देखिए 3 मई तक, इससे आपको फायदा क्या होगा? आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, यार ऑनलाइन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी दोस्तों आप पास तो हो ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी हमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं आप लोगों के लिए, वैसे आप कहीं से भी पढ़ाई करके मतलब पास हो जाएंगे। डीएलएड कोई काफी कठिन कोर्स तो है नहीं, तो आप ये समझिए कि ऑनलाइन आपके लिए पढ़ाई हो क्यों रही है। देखिए ऑनलाइन दोस्तों पढ़ाई इसलिए कराई जाएगी ना कि जो आपका जो सेशन है 2 साल का ये कोर्स है, तो 2 साल का ही बना रहे। जी हाँ दोस्तों, समझिए इसको हम एक चालाकी कह सकते हैं या चतुराई कह सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका 2 साल का कोर्स 2 साल का ही बना रहेगा। कैसे? जैसे दोस्तों डीएलएड का 2019 का बैच है, ठीक है ना, इनका 2019 से लेकर 2021 में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप मान के चलिए यहाँ पर 2 से 3 महीने का गैप हो जाता, मान लेते 3 महीने का मोटा मोटा हिसाब, 3 महीने दोस्तों अगर आपका गैप हो जाता फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। 3 महीने बाद दोस्तों गैप होने का मतलब है, अगर यहाँ पर हम दिखा देंगे कि 3 महीने हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, मतलब किसी भी तरह से दोस्तों परीक्षा या दोस्तों जो भी आपकी पढ़ाई है उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। परीक्षा कैसे, आप लोग के जैसे कॉलेज में यूनिट टेस्ट होता रहा होगा, तो वैसे ही दोस्तों कुछ ऑनलाइन आपसे कुछ पूछे जा सकते, सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ, तो फायदा आप समझ गए ना। तो दिखा दिया जाएगा दोस्तों 3 महीने यहाँ पर डीएलएड में ऑनलाइन की क्लासेस चलती रही लगातार, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि दोस्तों जो हमारा 3 महीने का एक गैप बन जाता है, ये गैप नहीं बनेगा। तो मतलब साफ है कि प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसमें आपकी देरी हो सकती है, मान सकते हैं कि ये लेट होगा, लेकिन दोस्तों ये जो पूरा कोर्स है आपका 2 साल का, इसको 2 साल में ही इसको मैनेज कर दिया जाएगा। हो सकता है कि दोस्तों आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए सिर्फ 3 महीने ही दिए जाए, 3 महीने दोस्तों आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ टीचिंग लगा के आपका कंप्लीट किया जाए, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में भी दोस्तों हो सकता है सिर्फ आपको 3 महीने का ही समय दिया जाए, ठीक है ना, या 4 महीने का समय दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि आपका 2 साल में इस कोर्स को कंप्लीट करने की एक अच्छी समझ हो सकती है। जी हाँ, नहीं तो ऐसे क्या होगा, इधर अगर कोरोना वायरस के चलते 3 से 4 महीने का लॉकडाउन हो जाता है। देखिए लॉकडाउन दोस्तों दो चीजें हैं, स्कूल कॉलेजेस सबसे लास्ट में ही खोले जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, स्कूल कॉलेजेस कभी भी जल्दी नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना काफी मुश्किल होगा। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसा नहीं होगा कि दोस्तों आपकी एक क्लास में सिर्फ 4 बच्चे बैठेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो काफी देखिए दिक्कतें आने वाली स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए। इसीलिए सभी से मतलब विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि क्या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो सकती है, हो सकती है तो कैसे हो सकती है, तो सभी कॉलेजेस इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग को फायदा काफी होने वाला, ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद कब से शुरू हो जाएंगी आपकी परीक्षाएं? देखिए आप मान के चलिए आपकी जो परीक्षाएं दोस्तों वो जून से स्टार्ट हो सकती हैं, मई में, 3 मई को आपका दोस्तों लॉकडाउन तो समाप्त हो जाएगा, एक बात तो आप समझ गए होंगे, 3 मई से पहले पेपर पेपर का कुछ होने वाला है नहीं, तो 3 मई के बाद दोस्तों कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो मतलब पहले देखिए आपका लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, उसके बाद कुछ हॉटस्पॉट इलाके उसको खत्म किया जाएगा। देखिए डीएलएड में हर जगह से बच्चे पेपर देने आते हैं, तो जब तक दोस्तों सारे हॉटस्पॉट इलाके भी खत्म नहीं हो जाते, सब कुछ जब तक पूरी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक आप लोग का पेपर हो सकता है नहीं हो पाएगा, तो मतलब वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है लंबे समय तक, ठीक है। और दोस्तों जो आपका ये सवाल था कि कोरोना वायरस के चलते जो डीएलएड का कोर्स 3 से 4 साल का हो जाएगा, इसका आंसर होगा नहीं, 2 साल में दोस्तों इस कोर्स को कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो आप लोग इसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा, प्रथम सेमेस्टर के छात्र के जो भी छात्र होंगे वो डर रहे होंगे, यार अभी तक मतलब आपका पहला भी पेपर नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा कब तक होगा, इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बता दीजिए कि कैसे दोस्तों हो सकता है ये ऑनलाइन कोर्स क्यों चलाया जा रहा है, इसलिए चलाया जा रहा है दोस्तों जो आपके यहाँ पर गैपिंग हो सकती थी वो गैपिंग नहीं होगी, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं तो गैपिंग होती तो आपका सीधे तौर पर नुकसान हो सकता था, ठीक है। और ये जो सवाल था आपका कि क्या अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अगर आपको प्रथम सेमेस्टर का अच्छा खासा तैयार हो चुका है मटेरियल, तभी दोस्तों आप अगले सेमेस्टर में जाइए, या तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई हो चुकी तभी आप चतुर्थ के लिए तैयारी करें, नहीं तो होगा ना आप घर के होंगे ना घाट के होंगे, ठीक ना, इधर के ना उधर के, उधर की पढ़ाई करेंगे तो इधर का थोड़ा बहुत भूलना शुरू हो जाएंगे, तो कुछ चीजें सोच समझ के आपको करनी चाहिए। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, प्रथम सेमेस्टर के लायक लगता है कि आपको हो चुकी है, तो आप लोग अगले सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं हुई है तो प्रथम का ही पढ़िए, सब कुछ सही है। कब से हो पाएंगे दोस्तों आपकी परीक्षाएं, कब से शुरू होंगी? जैसे दोस्तों हमने बताया कि आपको मई तक वेट करना पड़ेगा, 3 मई के बाद सब कुछ पता चलेगा, और जून में दोस्तों पूरे चांसेस हैं कि जून तक ये पेपर आपको कंप्लीट करा लिया जाएगा, अगर मई में नहीं हो पाते तो जून तक उम्मीद हम कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी था कि क्या अब ऑनलाइन पेपर होगा, 1% चांस है दोस्तों, इसका आंसर हम आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का,
कि ऑनलाइन पेपर हो सकता है, ठीक है ना? क्या 1 भी% चांस है? पहले आप लोग ये सोचिए ऑनलाइन पेपर होता कैसे है। कभी अगर आपने ऑनलाइन कोई पेपर दिया होगा एग्जामिनेशन, तो पहले दोस्तों उसके लिए भी आपको एक सेंटर बनता है। या तो दोस्तों आप लोग किसी सेंटर में जाते हैं, वहां पर पेपर देते हैं, एक ही समय पर सभी छात्रों का पेपर शुरू होता है और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको वहां पर मिलते हैं, बहुविकल्पीय या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? तो मतलब ऑनलाइन पेपर देने के लिए भी आपको किसी ना किसी सेंटर पर जाना पड़ेगा, ठीक है? आपके मन में सवाल देखिए, समझिए शांतर को। ऑनलाइन पेपर देने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। उससे अच्छा दोस्तों कि आप लोग घर बैठे ही पेपर तो दे नहीं सकते। देखिए ऑनलाइन का मतलब ये मत सोचिएगा कि आप घर में बैठे मोबाइल फोन से अपना पेपर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सेंटर में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा दोस्तों जब आप किसी सेंटर में जाएंगे ही पेपर देने, वहां पर तो और दिक्कतें होंगी। वहां पर लैपटॉप कंप्यूटर सब बहुत पास पास होते हैं, तो वहां पर तो और दिक्कतें होने वाली है। तो इससे अच्छा दोस्तों आपका ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन पेपर ही हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्योंकि वही बात दोस्तों फिर से आ जाएगी कि ऑनलाइन पेपर देने में भी दोस्तों वही फॉलो करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग को। उससे अच्छा ऑफलाइन पेपर करा लिया जाएगा, और वहां पर एसी में पेपर देने से हो सकता है दिक्कतें हो सकती हैं, कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल सकता है वहां, और नॉर्मल जगह गर्मी रहेगी तो हो सकता है उतना ना फैले, ठीक है ना? अब बातें आप काफी हद तक समझ गए होंगे। इस समय आज की एक और बड़ी अपडेट है कि मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला हुआ था। एसएसपी बोले आरोपी पर दोस्तों लगेगा रासुका। तो फिलहाल आप लोग ऐसा मत करिए। देखिए किसी को भी इस समय ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि आप लोग मेडिकल टीम पर हमला करें, पुलिस पर हमला करें। इससे नुकसान देखिए आपका होगा। कम से कम काफी लोग ऐसे लोग हैं जिनको घर में बैठने का मौका मिल रहा है, ये भी सोचिए आप लोग। कभी आप लोग घर में बैठे और काफी लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी नहीं सोचते कि हमें घर में बैठने का मौका मिला है, अब घर में बैठ भी नहीं पा रहे हैं। देखिए दुनिया बहुत ही अलग है। जब पहले छुट्टियां नहीं मिलती थी तो लोग रोते थे छुट्टियां मिले, अब छुट्टी मिल गई कि बोल रहे हैं घर पर बैठो तो घर पर नहीं बैठा जा रहा है, ठीक है ना? अगर आप बाहर निकलेंगे तभी तक दोस्तों उसी के बाद ही ये रोग आप तक पहुंचेगा। अगर आप घर में बैठेंगे तो कभी दोस्तों ये रोग आपको उड़ते हुए आपके घर तक नहीं आएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर आपके 727 हो चुकी है। प्रदेश के 44 जिले इसके चपेट में आ चुके हैं। देखिए काफी तेजी से दोस्तों कोरोना वायरस फैल रहा है हर जिलों में। मृतक कोरोना संक्रमित के करीबियों को क्वारंटाइन करने की मतलब करने गई टीम पर हमला हुआ। ये देखिए दोस्तों अपडेट्स बढ़ी हैं। और लखनऊ में कोरोना वायरस से पहली मौत हो चुकी है। यूपी में अब तक 11 लोगों ने तोड़ा दम। तो काफी खतरनाक ये वायरस है। तो आप लोग को देखिए अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। दिक्कत ये है ना कि आपको हो जाएगा कोरोना वायरस तो श्योर है कि आपका पूरा परिवार भी कोरोना की चपेट में आ सकता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ 2 से 3 दिन या 1 दिन भी दोस्तों या कुछ ही घंटे समय बिता लिए तो ये वायरस वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों फिलहाल अब आप लोग तैयारी कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अब हो सकता है दोस्तों डीएलएड का जो हमारा फ्यूचर है वो ऑनलाइन ज्यादा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ समय तक आपके कॉलेजेस नहीं खोले जा सकते। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि दोस्तों आपका जो लॉकडाउन है हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया एक बता रहे हैं, हो सकता है दिसंबर तक छोटा मोटा लॉकडाउन चलता रहे। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से ये नहीं होगा दोस्तों, लॉकडाउन तो खत्म होगा लेकिन कुछ ना कुछ चीजों पर लॉकडाउन आपको देखने को मिलता रहेगा। कंप्लीट लॉकडाउन अब समाप्त होना काफी मुश्किल होगा। जैसे आप लोग पहले याद करिए बसों में आप लोग चलते थे, ट्रेन में चलते थे भीड़ भाड़ वाला करके, ऐसा नहीं होगा। अब जो भी दोस्तों ट्रेन या बसेस चलेंगी बहुत ही लिमिटेड सीट होंगी। हो सकता है कि एक सीट पर सिर्फ आपको एक लोग देखने को मिले जहां पर एक सीट पर 5-5 लोग बैठते थे। तो काफी बदलाव ट्रेनों में होगा, बसेस में होगा। तो घरों में रहिए आप लोग, सुरक्षित रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट।